और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर वासियों को सौगात दी है। सीएम ने संयुक्त जिला कार्यालय में भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 76 करोड़ 45 लाख से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी है। अलग अलग 195 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। साथ ही योजनाओं का लाभ ले रहे लाभार्थियों से बातचीत की। वन भूमि पट्टा, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लाभान्वित ग्रामीणों से मुख्यमंत्री ने वर्चुअल संवाद किया। और आपको बता दें, बलरामपुर जिले का आज सीएम द्वारा करोड़ों की सौगात दिए जाने के बाद शासन और प्रशासन के लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ जैसा आवश्यकता है, मांग आ गया तो ठीक, और नहीं अगर मांग आया तो उसको अपने जो माध्यम है उसके माध्यम से भी जान करके उस काम को करने का कोशिश करते हैं। और आज जितने भूमि पूजन हुआ है और आने वाले समय में और भी जो बाकी काम है वो भी हैं। जिले का ये सीएम साहब का मेरे आगमन के पश्चात पहला कार्यक्रम था और मैं मानूंगा कि एक अच्छी शुरुआत इस ज़िले के लिए हुई है कि ज़िले को 76 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात आदरणीय सीएम महोदय के द्वारा यहां पर दिया गया है। और जो विकास कार्य इसमें सम्मिलित किए गए हैं वो वही विकास कार्य हैं जिससे कि हमारी देश की और हमारे इस ज़िले की जनता जुड़ी हुई है ज़मीनी स्तर पर। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी शुरुआत है और आगे आने वाले समय में भी एक अच्छी उपलब्धि रहेगी ज़िले के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ज़िले का ये सीएम साहब का मेरे आगमन के पश्चात पहला बार देश आज़ादी के बाद और छत्तीसगढ़ प्रदेश बनने के बाद एक विकास की बयार बहा है, जहां जितने हमारे ज़िले के रास्ते, सड़क, पुलिया जो चारों तरफ से नदी नाले और पहाड़ से घिरे हुए थे, उन सभी को जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने का काम कर रहे हैं, सड़कों से और नदी नालों को पुलिया बना के। जहाँ जहाँ हमारे जाति आय निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए हमारे प्रशासन की दिक्कत होता था, राजस्व मामले ज़्यादा आते थे, इस ज़िले में हम लोगों ने जहाँ चांदो तहसील बनाया, वहीं उप तहसील बरियों बनाया, वहीं रघुनाथ नगर तहसील बनाया, वहीं हम रामचंद्रपुर तहसील बनाए और डौरा कोचली भी अति शीघ्र हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने देखा होगा बलरामपुर ज़िले की हालत क्या थी, MBBS डॉक्टर भी हमारे पास पर्याप्त नहीं थे। और वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरिया जिले को 215 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम ने वर्चुअली विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। मुख्यमंत्री ने लगभग 245 कार्यों का वर्चुअली लोकार्पण और भूमि पूजन कर शुरुआत की है। सड़क, पुल, पुलिया, सोलर सिस्टम, गौठान, स्टेडियम, हाट बाजार जैसे कई अहम विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई है। कोरोना काल में इसके कारण राज्य में विकास कार्य बाधित रहा है। अब कोरोना संक्रमण दर कम होते ही मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास कार्यों की सौगात देते हुए अलग अलग निर्माण कार्यों की तत्परता से स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री के लोकार्पण कार्यक्रम में जिले के समस्त विभाग प्रमुख अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जी के मुख्य अतिथि में वर्चुअल रूप से कोरिया के विकास कार्यों का लगभग 245 कार्यों का 214 करोड़ का लोकार्पण हुआ है और कुछ ना है। सर, ये जो सौगात दी गई है, आपको क्या लगता है कोरिया जैसे रूरल क्षेत्र है कितने विकास में कारगर होगी? सर, नहीं, इसका कोरिया जी लगता है रियली मतलब मेल का पत्थर साबित होगा और आगे हम लगा। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक गुलाब कमरो की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल के सभी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहे। बता दें, विधायक ने सभी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को सेवा भाव से काम करने का आदेश दिया है। बैठक में दौरान विधायक ने सख्त लहजे में कहा कि आम जनता के इलाज में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए आज हमने पूरे अस्पताल प्रबंधन सभी से, सभी डॉक्टरों से, सभी स्टाफ नर्स से, जितने भी तमाम सारे यहाँ के अस्पताल के जो कर्मचारी हैं उनसे हमने अलग अलग बात की है। जो छोटी छोटी जो अभी कोविड के कारण काफ़ी दिक्कत है, थोड़ा समस्या आ रहा था, उसको लेकर आज मैं सारे लोगों से बात किया हूँ और कोशिश करेंगे कि सेवा भावना से, प्रेम भावना से जो हमारे ग्रामीण अंचल से आते हैं चाहे शहर के जो मरीज आते हैं उनसे अच्छा व्यवहार करना है। और जो छोटी छोटी जो कमियाँ रही उस विषय में आज बात की है और आने वाले दिनों में आपको बेहतर। और छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ में बीजेपी के पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी के गृहग्राम के करीबी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। गांव का विकास नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। विधायक अनूप नाग की कार्यशैली से प्रभावित होकर ग्राम पंचायत बोदानोर
नार के उप सरपंच पंच सहित बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता विधायक अनूप नाग को गांव की समस्या से अवगत कराया। विधायक ने गांव की समस्याओं का जल्द ही समाधान करने का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत लोलेसरा का मामला है, जहां पर नए सरपंच की मनमानी के ग्रामीणों ने प्रशासन से शिकायत की। उनका कहना है कि पूर्व सरपंच केवरा बाई वर्मा की ओर से मनरेगा के तहत 2 डबरी निर्माण स्वीकृति कराई गई थी, जिसके तहत नए सरपंच ने 22 फरवरी 2020 को पदभार ग्रहण करने के पहले ही बगैर ग्राम पंचायत में सूचना दिए 119 अवैध रूप से हरे पेड़ों की कटाई कर नीलाम कर दिया गया है और नीलाम किए गए पेड़ों का हिसाब किताब भी नहीं दिया है। इस तरह से शासकीय भूमि में लगे हुए 119 हरे पौधों की कटाई की गई थी। दोनों डबरी निर्माण के लिए 119 पेड़ झाड़ काट दिए गए जी, जो गांव में बुनियादी करवाकर और बिक्री किया गया है जी, और नीलाम करने के बाद वहां जैसे की बात है कि बोलने पर कि पूर्व सरपंच श्रीमती केवरा वर्मा द्वारा दिए गए पदभार 22/2/2020 में दिया गया था, उसके अलावा उसके पूर्व प्रभार देने के पूर्व लगभग 10 या 12 और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।